लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? ओके, किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए रूल्स क्या है, वो सभी हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि एक पेंसिल है, उस पेंसिल का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अब लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जनरली हम एक स्केल लेंगे। ओके, स्केल के जो भी जीरो होगा जहाँ से शुरुआत हो रही है उस मार्क के ऊपर इस पेंसिल का एक एंड हम उसको कोइंसाइड करेंगे और देखेंगे कि दूसरा एंड उस पेंसिल का एग्जैक्टली कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। ओके, किस रीडिंग पे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि ये जो भी स्केल है, ओके, सो 1, 2, 3 ये जो भी है ये सेंटीमीटर्स के मार्क्स है और हर 2 सेंटीमीटर के मार्क के बीच में मिलीमीटर्स के भी मार्क्स है यहाँ पे। ओके, अब इसका लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका लेंथ जो भी आ रहा है वो 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 19 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन इसकी वैल्यू कितना होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा इसको क्लोज करके देखते हैं। तो अगर इसको क्लोज करके देखते हैं तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 18 के बाद 18 सेंटीमीटर को ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है तो 18 के बाद यहाँ पे मिलीमीटर स्केल है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 18.7 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, लेकिन 18.8 सेंटीमीटर को इसने क्रॉस नहीं किया। तो इसकी जो भी वैल्यू होगा इस पेंसिल की लेंथ की वो 18.7 से लेके 18.8 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में यानी 18.7 और 18.8 इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू कितना होगा, अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई स्केल नहीं दिया गया। देखिए ये जो भी मार्क है ये 18.7 का है और ये जो भी दिख रहा है 18.8 है और इन दोनों के बीच में वो मार्क आ गया यानी उसका लेंथ आ गया। ओके, तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होता है अक्सर 18.7 के ऊपर उसकी वैल्यू है लेकिन फिर भी हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, दिमाग का जो भी स्केल है। ओके, यहाँ पे हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो भी है वो 18.74 हो या कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि 18.75 हो, उसको ये लगेगा यानी स्टूडेंट आ गए डिफरेंट डिफरेंट तो उसको इमेजिनेशन के हिसाब से वो जो लास्ट डिजिट है वो उसको वहाँ पे लिखेगा। तो यहाँ पे मेरा मेंटल स्केल यूज करके मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ कि इसकी जो भी वैल्यू होगा, इसकी जो भी वैल्यू होगा मान के चलिए कि इसकी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से, सो इट्स अ 18.74 सेंटीमीटर। ओके, 18.74 सेंटीमीटर। अब ये जो भी मेजरमेंट हमने किया है इस पेंसिल का लेंथ का मेजरमेंट जो भी किया है जिसकी वैल्यू आ गया है मेरे हिसाब से 18.74, इसमें 18.7 ये 100% था, ओके, एब्सोल्यूट था, लेकिन 4 जो भी है ये अनसर्टन है, 4 जो भी है ये अनसर्टन है। तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने आ गए, तो टोटल डिजिट्स जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट्स आ गए। इन 4 में से फर्स्ट 3 जो भी है इनको कहेंगे हम एग्जैक्ट, ओके, या सर्टन डिजिट्स, एब्सोल्यूट डिजिट्स। सो दिस आर द एब्सोल्युटली करेक्ट वन। और ये जो भी है ये डाउटफुल है हम इसको कहेंगे रीजनेबली करेक्ट। सो ये 1, 8, 7 दिस आर द एब्सोल्यूट करेक्ट वन, एब्सोल्यूट करेक्ट डिजिट्स। और ये 4 जो भी है वो डाउटफुल है तो उसको अनसर्टन डिजिट कहेंगे हम। ये कौन सा डिजिट हो गया, अनसर्टन डिजिट हो गया। तो यहाँ पे ये 4 डिजिट मिलके उसका मेजरमेंट हो रहा है। अब इसके बेसिस पे हम सिग्निफिकेंट फिगर मेजर डिफाइन करते हैं। क्या है सिग्निफिकेंट, देखिए, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स
विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट. यानी एब्सोल्युटली करेक्ट कौन कौन से है यहाँ पे, 1 है, 8 है और 7 है. दीज आर दी एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टन डिजिट. तो ये जो भी 4 था ये डाउटफुल था. ये मेजरमेंट कौन कर रहा है इसके बेसिस पे वो चेंज हो सकता है. किसी स्टूडेंट ने वो 4 मेजर किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि जो भी है 4 हो सकता है. किसी दूसरे स्टूडेंट को लगेगा वो 5 हो सकता है, वो अनसर्टन है, लेकिन वो वैल्यू मेजरमेंट में आ चुका है. ओके सो अब जो मेजरमेंट यहाँ पे बना था वो 18.74 सेंटीमीटर, इसमें से फर्स्ट 3 डिजिट्स जो भी थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट थे और फोर्थ जो डिजिट था इट्स अ अनसर्टन डिजिट. तो अब यहाँ पे कितने इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर इज दैट 4. क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस, ओके एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस फर्स्ट अनसर्टन डिजिट. तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4. अब किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है, छोटा पेंसिल है मान के चलिए यही तक पेंसिल है, और उसने ऐसा मेजरमेंट किया कि इसकी जो भी वैल्यू आ रहा है 0.54 सेंटीमीटर, 0.54 सेंटीमीटर. अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने अनसर्टन है और कितने सर्टन है. तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये एक डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट हो गए, दिस आर द 2 एब्सोल्यूट करेक्ट वन एंड दिस इज द डाउटफुल. ओके लेकिन इस केस में जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये एक होगा एब्सोल्यूट करेक्ट और ये डाउटफुल, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे. अब ऐसा क्यों, यहाँ पे तो मेजरमेंट में टोटल हमें 3 डिजिट्स मिल रहे हैं 0.54, यहाँ पे जैसे कि 4 डिजिट्स थे और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 होने के बावजूद भी यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे. अब इसके लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करके मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसका जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस मेजरमेंट का वो होगा 2. ऐसे क्यों, उसके लिए हम देखते हैं कुछ रूल्स और वो रूल्स आपको फॉलो करना है, बहुत ईजी है. हम 1 by 1 रूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज अ रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. किसी भी मेजरमेंट में जब हम काउंट करते कि उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके लिए कुछ रूल्स है, टोटल 8 रूल्स है. ओके द फर्स्ट रूल, रूल 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ओके जब भी आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इसके पहले जो भी मेजरमेंट किया हमने, सो 18.74 सेंटीमीटर. अब इसमें अगर देखते हैं तो सभी के डिजिट्स जो भी है एब्सोल्यूट करेक्ट हो या अनसर्टन हो, सभी के डिजिट्स जो भी है ये नॉन जीरो है. तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4. ओके मान के चलिए कि एक मेजरमेंट ऐसा है कि 100.27 या थोड़ा डिफरेंट ले लेंगे हम, मान के चलिए कि 112.27. ओके तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये हो गए सर्टन डिजिट्स, ये अनसर्टन हो गए. तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए आप पे, 5. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5. सो इतना याद रखिए कि जब भी कोई मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके ये हो गया रूल नंबर 1. अब रूल नंबर 2 देखेंगे हम. अब रूल नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स. ओके ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल. डेसिमल पॉइंट कहाँ पे ये मैटर नहीं करता, लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो अगर आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा बेचारा. ओके सो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सो 100.27. अब देखिए ये जो भी डिजिट है ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है. अब ये 2 जीरो यहाँ पे अपीयर जो भी हुए हैं
ओके, सो दिस टू जीरोस आर यहां पे सिग्निफिकेंट बन जाएंगे. तो यहां पे देखिए, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल. अगर है तो कहीं पे भी हो, कुछ लेना देना नहीं है. तो इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, नंबर इज 5. तो कितने आ रहे यहाँ पे, टोटल 5 आ रहे, 1, 2, 3, 4, 5. अब इसी मेजरमेंट को मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ. यहाँ पे देखिए 10.027. अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर भी इस मेजरमेंट का जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा टोटल वो होगा 5. ओके, एग्जांपल के तौर पे 1.10275076. अब देखिए इस मेजरमेंट में टोटल जीरो कितने आ गए, 2 आ गए. क्या वो दोनों नॉन जीरो के बीच में है क्या? यस, नॉन जीरो के बीच में है. ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये वाला इन दोनों के बीच में वो आ गया. तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे यहाँ पे 9. तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो रूल्स देख चुके हैं. द फर्स्ट वन इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सेकंड वन, ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल. नेक्स्ट वन, थर्ड वन. ओके, तो थर्ड रूल क्या है, देखिए, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट मीन्स इसका एग्जाम्पल के तौर पे 1.00, अगर मैं सॉरी 1.00 कुछ इस तरीके का मेजरमेंट हुआ है 1.00, तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो आ गए यहाँ पे, 2 आ गए. तो अब इस मेजरमेंट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो इस रूल के हिसाब से 1 डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे, ओके, चाहे उधर नॉन जीरो हो या ना हो, यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट. सो 1, 2, 3 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे 3. इसी तरह अगर मैं एक मेजरमेंट कंसिडर करता हूँ कि 5.00320. ओके, 5.00320. अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी अगर जीरो आ रहा है, ओके, भले ही इधर नॉन जीरो डिजिट हो या ना हो, तो यहाँ पे इन सभी जीरोस को हमें काउंट करना होगा. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, ये दो जीरो जो भी थे वो टू नॉन जीरो डिजिट के पहले बीच में आ रहे थे, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड. लेकिन थर्ड के हिसाब से ये जीरो भी जो भी है डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा. तो इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी होंगे इस केस में 6 होंगे. क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 4. The powers of 10 are not counted as significant figures. बहुत important है. Okay, जब भी powers आते हैं, for example, यहाँ पे 1.6×10⁻⁷ okay, meter, ऐसा लिख दिया एक reading. दूसरा reading में लिखता हूँ 1.6×10³ cm. ओके, तो यहाँ पे दो जीरो दो रीडिंग्स दिख रहे हैं आपको, ये एक रीडिंग है, दूसरा एक रीडिंग ये है. अब यहाँ पे 10⁻⁷ है, यहाँ पे 10⁻³ है. अब इस रूल का, रूल नंबर 4 का कहना क्या है, देखिए द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इस टर्म को हम टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है. अब करना कौन सा है, उसके पहले का देखिए. तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने आ गए, सो 1, 2. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2. यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे 5. क्लियर है?
तो पावर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जीरो आ रहा है, तो ये रूल नंबर 3 के हिसाब से हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया है। तो दिस इज अबाउट द रूल नंबर 4। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5, इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, then all the zeros occurring to the left of the last non-zero digit are not significant. बहुत important है, एक बार अच्छी तरह से हम इसको समझते हैं। If a measurement is less than 1, जो भी measurement आप कर रहे हैं उसकी value अगर 1 से कम है, okay, then all the zeros occurring to the left of the last non-zero digit आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट ने, या इसके पहले हमने जो भी मेजरमेंट किया था वो मेजरमेंट था 0.54 सेंटीमीटर, ये पेंसिल का लेंथ हमने लिया था। अब इस केस में, अगर इस केस में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या ये वैल्यू लेस देन 1 है। यस, ये जो भी मेजरमेंट है इट इज़ लेस देन 1। अब ऐसे केस में इनका कहना है कि देन ऑल द जीरोज ऑकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी नॉन जीरो डिजिट यहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से, उसके पहले जितने भी आएंगे जीरोज, ओके, उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे। इसलिए इस मेजरमेंट में हमने देखा है कि ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये दूसरा होगा, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पे 2। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कि 0.00246। अब इस मेजरमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये लेस देन 1 है। यस, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन 1 होगा। अगर लेस देन 1 है तो अकॉर्डिंग टू दिस वन द फर्स्ट नॉन डिजिट जो भी है, नॉन जीरो डिजिट, दिस इज दैट वन। इसके पहले जितने भी जीरो आएंगे ये सभी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ओके। तो यहाँ पे इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे यहाँ पे 3। इसी तरह और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम, सो 0.01230, ओके, ये मेजरमेंट हमने लिया। अब थोड़ा ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे अब तक जितने भी रूल्स देखे उनके हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। द आंसर इज दैट 4। हाउ, यहाँ पे देखिए ये जो भी जीरो आ रहा है ये डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, ओके, लेकिन पहले नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद में वो आ रहा है। अब नॉन जीरो डिजिट के पहले, ओके, ये लेस देन 1 है तो ये लेस देन 1 है। अब नॉन जीरो डिजिट ये है और इसके पहले जितने भी जीरो आएंगे दे आर द नॉन सिग्निफिकेंट, ओके। तो सिग्निफिकेंट कौन से होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। सो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1 देन ऑल द जीरोज ऑकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, ओके, ये वाला और यहाँ पे ये वाला, लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसके पहले जितने भी थे वो नॉन सिग्निफिकेंट थे। उसके बाद हम रूल देखेंगे, रूल नंबर 6, चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट लिया है, ओके, 18.74, जो भी हमने लिया था उसी को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, 18.74 सेंटीमीटर्स। अब इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना होगा, सो 0.1874 मीटर में होगा, ये करेक्ट है। अब देखिए जो भी मेजरमेंट हमने लिया था वो सेंटीमीटर में लिया था और दूसरे स्टूडेंट ने उसको लिखा है मीटर में, और एक स्टूडेंट आ गया जो बहुत ज़्यादा होशियार है, ओके, उसने उस मेजरमेंट को कैसे लिया, देखिए 0.1874 × 10⁻³ किलोमीटर, ओके, तो इस तरीके से लिखा है।
उस दूसरे स्टूडेंट ने। अब इन तीनों के इसमें हम स्टडी करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। मेजरमेंट एक ही है लेकिन अलग अलग यूनिट्स में हमने उसको लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये 18.74 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे यहाँ पे, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 4 आ गए। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, सो ये लेस देन 1 है, नो डाउट लेस देन 1 है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, ओके, ये सब एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 1, 2, 3, 4, इसका भी 4 बन गया। सेम केस यहाँ पे होगा, 1, 2, 3, 4, पावर को हम कंसिडर नहीं करते, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। तो मुझे या इस रूल को ये बताना है कि अगर आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चेंज कर रहे हो तो भी सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। द चेंज इन यूनिट्स ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप भले सेंटीमीटर में लो, मिलीमीटर में लो, किलोमीटर में लो या मीटर में लो, तो ओके, तो वो जो भी है वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही आएंगे। यहां पे आप किलोमीटर में ट्राई कर सकते हो, इस केस को अगर किलोमीटर में लिखना है एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, सो 0.0001874 किलोमीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। रूल नंबर 7, ओके। सो द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है 100, ओके, अब मैं आपको पूछ रहा हूं अगर 100 लिया है तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, द आंसर इज दैट 1, ओके 1। ऐसा क्यों, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी जीरो आएंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सिर्फ, यहाँ पे इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिर्फ एक आएगा ये वाला। सो दिस इज अ नॉन सिग्निफिकेंट, दिस इज अ नॉन सिग्निफिकेंट। अगर किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है 6, 4, 3, 0, ओके, तो इस केस में ये जो भी है डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो जो भी जीरो लास्ट में आने वाले हैं वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सो दिस इज अ नॉन सिग्निफिकेंट, सो 1, 2, 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए 3। तो द टर्मिनल यानी लास्ट वाले या ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज अबाउट द रूल नंबर 7, ओके। नेक्स्ट वन रूल नंबर 8, द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 dozen ऑफ बनानास, यानी कितने नंबर्स हो गए, 12, ओके, ये 12 एग्जैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कोई स्टूडेंट ये नहीं लग सकता कि 12.1 होगा, कोई स्टूडेंट ये नहीं लग सकता कि 12.12 होगा, कोई स्टूडेंट ये नहीं लग सकता कि 1.09 होगा, ऐसा हम नहीं लिखते क्योंकि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। अब जब भी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, 100% एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर होता है, तो उसमें जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उसको हम इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में अगर 32 स्टूडेंट्स है प्रेजेंट, ओके, 32 स्टूडेंट प्रेजेंट है उस क्लास में, तो वो एग्जैक्ट होगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 32.09 या 32.00001, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो एग्जैक्ट है। एक स्टूडेंट को एक काउंट करेंगे, अगर टोटल 32 स्टूडेंट्स है तो हम 32 काउंट करेंगे। तो अगर 32 स्टूडेंट्स अगर है तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इस तरीके से हमें ये समझना है, जब भी कोई मेजरमेंट होता है तो आपको सबसे पहले वो देखना है कि वेदर इट इज़ अ एग्जैक्ट वन, ओके, तो एग्जैक्ट समझ में आ जाता है। सो इन दिस वे सो दीज आर द रूल्स। तो यहाँ पे टोटल 8 रूल्स थे। अब इन रूल्स का यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं।
ओके सो देखिए इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें फाइंड आउट करना है। अब इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सभी ऑटो रूल का यूज करके हम वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए 50,000 है, किसी ये लेंथ हो सकता है या मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब लेंथ या मास एग्जैक्ट होगा क्या? नहीं, जब भी मेजरमेंट होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे इस केस में स्पेशली सिग्निफिकेंट डिजिट अगर देखते हैं तो रूल नंबर 7 का यूज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है, बाकी सभी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट विकर बनेगा 1। अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो 0.009 कितना हो सकता है? 3? नहीं, 1 होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो जो भी नंबर आ रहा है उसके पहले जितने भी जीरो आएंगे ये सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ओके सो यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है तो ये भी 1 होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। अब 98 तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं है। ओके 239 तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सो 670.0 डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो 1, 2, 3, 4 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। इसका अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ये 5 बन रहा है। ओके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 1 से लेस है, 1 से कम है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर बन गए यहाँ पे 5। ओके तो इस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल जो भी है अब इसका जो भी सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा ये हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है। सो देखिए मेजरमेंट कितना है, 96002 1 2 3 4 5 सो 5 बन गया। इसका अगर हम देखेंगे तो 2 होगा, इसका हम देखेंगे तो 3 होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, इसका हम देखेंगे तो 4 पॉइंट है, 4.7200 1 2 3 4 5 5 बनेगा। यहाँ पे 3 बनेगा, इसका 4 बनेगा, इसका कितना बनना चाहिए 3, इसका कितना बनना चाहिए 1 और इसका कितना बनना चाहिए 0.00783 है तो यहाँ पे नॉन डिजिट चालू, नॉन जीरो चालू हो रहा डिजिट, सो यहाँ पे 3 बनेगा। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम पूरे रूल्स देखे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसको कहते हैं, किस तरीके से मेजरमेंट हम करते हैं और उसके बाद उस मेजरमेंट में सर्टेन डिजिट्स कितने हैं यानी एब्सोल्युटली करेक्ट वाले, अनसर्टेन डिजिट कितने हैं यानी डाउटफुल वाले। ओके सो इन सभी के बारे में डिस्कस किया है और इसी के बेसिस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, उन सभी रूल्स को हमने वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों किताबों में से ओके एच सी वर्मा सर की जो भी कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है और ये 5 वॉल्यूम जो भी है डी सी पांडे सर के, तो इन किताबों दोनों किताबों को मैं रेफर करके ओके जो मुझे अच्छा लगता है उसके हिसाब से मैं पूरे पॉइंट्स पूरे कंसेप्ट आने वाले कुछ दिनों में मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।